चाइना में हो रही है उथल पुथल, कोरोना कर रहा है तांडव, ओमिक्रॉन का BF7 है बढ़ती केसेस की वजह, क्या भारत में भी मचेगा हाहाकार? हम देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। क्या ओमिक्रॉन BF7 नया वेरिएंट है? नहीं, ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट नया नहीं है। BF7 वेरिएंट अक्टूबर से ही पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की जगह लेने लग गया था। क्या ये चाइना में सबसे पहले आया? नहीं, BF7 पहले ही USA, UK, जर्मनी और कई और देशों में अक्टूबर से ही मरीजों में पाया जा रहा है। क्या भारत में भी BF7 के केसेस मिले हैं? जी हाँ, भारत में पहले भी इस वेरिएंट के कुछ केसेस मिले हैं। क्या BF7 घातक है? अभी तक जिन भी देशों में ये पाया गया है वहाँ मरीजों में माइल्ड सिम्टम्स ही नजर आए हैं और वो घर पर ही ठीक हो गए हैं। तो फिर चाइना में इतना इम्पैक्ट क्यों? चाइना अब तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पॉलिसी फॉलो कर रहा था जिसकी वजह से वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं बना पाया। चाइना की वैक्सीन की एफिकेसी पर भी बार बार विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना की पॉपुलेशन कोविड के किसी भी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम नहीं है और इसलिए BF7 चाइना में काफी लोगों की जान ले रहा है। क्या हमें डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें सावधान रहने की बेहद जरूरत है। पहले भी ये देखा गया है कि कम इम्यूनिटी वाली पॉपुलेशन नए वेरिएंट को जन्म देती है। फिलहाल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने चाइना पर कड़ी नजर बनाई हुई है। अगले 2 हफ्ते चाइना के लिए बेहद ही क्रूशियल हैं। और अगर आपने वैक्सीन की बूस्टर डोज या कोई भी डोज नहीं ली है तो ये सही वक्त है वैक्सीन लगवाने का। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जागतो भारत।